स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, आपको पता है क्या क्या होता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक 33। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे जो हमारे सामने, इसमें 26 है, इसमें 26 है, ठीक है। अगर हम ये वाला पीछे ऊपर वाला पोर्शन की बात करें, सभी का मैं जेसी चोरा गोल्डन स्टार्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जीएनवी मंडफिया जिला चित्तौड़गढ़ में 11th साइंस जो बायोलॉजी के बच्चे हैं इनके साथ पहुंचे हैं और हमारे साथ बहुत विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं नाजीर जी जो कि यहां बायोलॉजी टीचर हैं। आज हम दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, ये सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं नाजीर साहब का स्वागत करता हूं, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, my name is Nazir Ahmed Dar. I am from Jammu and Kashmir. I am PGT Bio in this Vidyalaya PM Shri Manfia School. And ये हमारी 11th की क्लास है और ये हमारा पूरा स्टेप है जो आज मैं डिस्कस करना दे रहा हूँ। और ये हमारी बायो लेवल आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे चार्ट पार्ट लगे हैं पूरे। तो आज हम जो है 11th क्लास को सिखाएंगे कि जो मानव कंकाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, एंड इंग्लिश इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम, इसमें हम पूरा देखेंगे कि कितनी हड्डियाँ होती हैं और कौन कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, ये हम पूरा आज देखेंगे। और जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी हम आज इन बच्चों को दिखाएंगे, कौन सा इंटरनल ऑर्गन कहाँ पे लोकेट होता है, और थोड़ा बहुत इनको माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, और जो भी हमारे इनको हम सैंपल स्पेसिमेंस बोलते हैं इनके बारे में हम इनको आज थोड़ा बहुत ओके। जैसा कि हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, अब हम जो है इंट्रोडक्शन बच्चों से लेंगे, इंट्रोड्यूस अपने बच्चों को करवाएंगे। माइसेल्फ अजय सिंह मार्टिन, स्टडिंग इन क्लास 11 साइंस बायोलॉजी। Myself Sushil Kumar Dhakar, I am studying in 11th class in biology science. My name is Rashika, class 11th biology. My name is Anna Begbar, I am studying class 11th for biology. My name is Sabrina, I am a student of class 11th biology. My name is Priya Begbar, I am reading class 11th in biology. Myself Rashki, I am studying in class science, 11th science. हम अपना जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज मेन टॉपिक है, मेन जो जिस टाइम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मानव कंकाल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे ये हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में करते क्या, माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड्स को देखते हैं, कोई भी चाहे वो परमानेंट स्लाइड हो चाहे वो टेम्परेरी माउंट स्लाइड हो, टेम्परेरी माउंट मतलब जो हम बनाते हैं, है ना, कोई भी, जैसे हमने स्लाइड बनाई थी किसकी, स्टोमेटोलिथ की बनाई थी, है ना। और ये जो माइक्रोस्कोप है ये एक बायोलेक्युलर माइक्रोस्कोप है, इसको हम बायोलेक्युलर माइक्रोस्कोप है। क्यों बोलते हैं इसको बायोलेक्युलर माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें दो ये आईपीस होते हैं, इसमें दो आई पी, इसमें हम जो है अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। और ये किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, इसको हमें आर्टिफिशियल ये जो है लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम इससे इलेक्ट्रिसिटी से इसको जोड़ सकते हैं और अपना जो स्लाइड है अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये इनको हम बायोलेक्युलर बोलते हैं, इसमें दो होते हैं बट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे क्या है, ये इनको हम स्पेसिमेंस बोलते हैं,
इसको हम स्पेसिमेंस बोलते हैं। इनमें जो है ये एनिमल्स होते हैं, ये मुर्दे होते हैं, लेकिन इनको हम प्रिजर्व करते हैं। इसमें ये पानी नहीं है बल्कि ये एक प्रिजर्वेटिव जिसको हम फॉर्मलिन बोलते हैं, जिसको हम फॉर्मलिन बोलते हैं, है ना। ये डिफरेंट यहाँ पे है, इसमें है ये मशरूम है, इसमें ये इसमें ये लीच है, ये इसमें स्कॉलियोडॉन है, ठीक है, ये इसमें ऑक्टोपस है, ये इसमें प्रॉन है, ये इसमें फ्रॉग है, और ये इसमें जेली फिश है, ठीक, और ये इसमें जो इंटेस्टाइनल ह्यूमन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं एस्कैरिस, ठीक है। ये हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स है, इनको हम प्रिजर्व करते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, क्यों, क्योंकि ये हम फाइल में सब कुछ इसको पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा ये है, इसको आप देख सकते हो, एक हड्डियों का ढांचा है ये, ठीक है। इस हड्डियों के ढांचे में आप हिंदी में बोलते हो मानव का कंकाल, ठीक है। इस हड्डी के ढांचे में 206 हड्डियां होती है, इस हड्डियों के ढांचे में 206 हड्डियां होती है, और ये 206 हड्डियां कहां पे लोकेट होती है आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, डिटेल्ड स्टडी। इसके बाद यहां पे भी आप देख सकते हो, ये है ना, ये हम इसमें क्या देखेंगे, ये एक डमी है, डमी मतलब इसमें पूरा हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन हमारे, हमारा हार्ट कहाँ पे, हमारे लंग्स कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स कहाँ पे, पूरा हम इसमें देखेंगे। लेकिन इसको पहले क्या करेंगे, हम पहले अपना जो हमारा मेन टॉपिक इस पे आते हैं, यानी हम पहले करेंगे डिस्कस कौन सा वाला, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। जो आपको पता ही होगा, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें 206 हड्डियां होती है टोटल, एक अडल्ट ह्यूमन 206 हड्डियां होती है ना। लेकिन अगर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे, ये दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इन बायोलॉजी इट्स डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। एक पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारा जो एक पोर्शन होता है पोस्टीरियर, और एक होता है एंटीरियर। जो हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है वो इसमें आता है, यानी हेड, ठीक है, ये वाली बोन दिख रही है ये, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, इसको बोलते हैं स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। और इसमें आते हैं ये दिख रहा है ये फ्लैट बोन्स, इन फ्लैट बोन्स को हम रिब्स बोलते हैं, ठीक। और क्या होता है एक्सियल में, और ये हमारा क्या है, ये वाला जो आप पीछे देख सकते हो ये, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इट इंक्लूड्स ऑल इन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और उसके बाद होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर में दो आते हैं, उसमें गर्डल गर्डल बोन्स एंड लिंब बोन्स, है ना, ठीक है। गर्डल बोन्स में आते हैं ये वाले, ये दिख रहे हैं ये है ना, ये क्या है, क्लेविकल बोन है, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, और इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पीछे की तरफ ये ट्राइंगुलर शेप्ड है, ये वाली ये ट्राइंगुलर शेप्ड बोन, इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला, इसको बोलते हैं स्कैपुला। ये दो होती है, दो होती है, एक दो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने आप पे भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारी ये कॉलर बोन है ये भी दो होती है, ये भी दो, यानी जो गर्डल बोन है असल में होती है कितनी, छह होती है टोटल, गर्डल बोन्स छह होती है, चार यहाँ पे, और जो हमारी पेल्विक गर्डल है ये तो हमारे क्या है, ये पेक्टोरल गर्डल है, ये पेक्टोरल गर्डल है, और ये क्या है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में कितने होते हैं, दो, इसमें दो बोन्स होती है, क्लियर। और जो इसमें पूरा आता है क्या, हमारे फोर लिम्ब्स, इनको बोलते हैं फोर लिम्ब्स, और ये हमारी हिंड लिम्ब्स है, ठीक है। और ये गर्डल बोन्स क्या करती है, ये गर्डल बोन्स करती है, ये हमारे हिंड बोन्स को, जो हमारे फोर लिम्ब्स है, फोर लिम्ब्स को मेन स्केलेटल सिस्टम में जोड़ने का काम करते हैं, और जो हमारे पेक्टोरल गर्डल है, सॉरी पेल्विक गर्डल है, इनको जो हमारे हिंड लिम्ब्स है उनको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो 206 हड्डियां है ना, किस पोर्शन में कितनी हड्डियां होती है, जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होता है उसमें 80 बोन्स होती है, कितनी, 80 बोन्स होती है, और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें 126 हड्डियां होती है, 126 बोन्स आती है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फ्रंटल वाला एंटीरियर वाला पोर्शन होता है, इसमें हमारा हेड आता है ये पूरा, ये आप देखते हो ये पूरा, अगर हम पूरे की बात करेंगे इसमें 29 बोन्स होती है, तो कितनी, 29 बोन्स होती है, किसमें, पूरे हेड में, पूरे हेड में 29 बोन्स होती है। लेकिन जो अब अगर हम हेड के बारे में बात करेंगे, इसमें हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है, जो हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, जितने भी फंक्शन हम करते हैं बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ब्रेन, है ना। ये ब्रेन किसमें होता है, इसी खोपड़ी में होता है, इसको खोपड़ी बोलते हैं, इसी खोपड़ी में ये ब्रेन होता है, ठीक है। और जो उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करे उसको बोलते हैं क्रैनियल बोन्स, उसको बोलते हैं क्रैनियल बोन्स, क्योंकि इसको क्रैनियम और स्कल बोलते हैं, इसको क्रैनियम और स्कल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ब्रेन, ठीक है। वो कितनी बोन्स होती है, वो क्रैनियल बोन्स होती है एक, कितनी, एक। और ये दिख रहा है ये फेशियल बोन्स है, ये फेस है, इनको बोलते हैं फेशियल बोन्स, ये होती है 14 इन नंबर,
14 है नंबर, ठीक है। और यहां पे एक अलग सी बोन होती है यहां पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हायोइड, वो एक ही होती है, वो एक ही होती है। और यहां पे कान होते हैं, यहां पे दो ईयर्स, उनको बोलते हैं ईयर ऑसिलस, उनको बोलते हैं ईयर ऑसिलस। हर एक कान में कितनी बोन्स होती है, तीन तीन बोन्स होती है। कान कितने हैं, दो, यानी दो कान में कितनी बोन्स हो गई, सिक्स। उनको क्या बोलते हैं, स्टेप्स इनकस एंड मैल्स, स्टेप्स इनकस एंड मैल्स, ये तीन बोन्स होती है हमारे हर एक कान में, तीन बोन्स होते, दो कानों में छह, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, क्योंकि पहले हम कौन सा डिस्कस करते हैं, कौन सा बोन वाला हिस्सा, एक्सियल वाला यानी फ्रंटल वाला, उसके बाद हम ये वाला देखेंगे, कैज लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है। ये कैज लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सबसे पहले ये आपको जो बोन एक नजर आ रही है, फ्लैट बोन, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, ठीक है। इसी से जुड़ी होती है हमारी क्या, फ्लैट बोन, जिनको हम बोलते हैं क्या, रिब्स, है ना। लेकिन ये जो स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन है, एक ही वन इन नंबर होती है, खाली एक होती है, ये खाली एक होती है, और इन्हीं से हमारे रिब्स जुड़े होते हैं। ये रिब्स, रिब्स कितने होते हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं। अगर नंबर की बात करें तो कितने होती है, 24, वेरी गुड। और पीछे की तरफ से ये रिब्स किससे जुड़ी होती है, हमारे वर्टेब्रल कॉलम से, हमारे वर्टेब्रल कॉलम से। वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है, 26 इन एडल्ट। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेंगे, उसमें 33 बोन्स होते हैं, कितनी, 33। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे जो हमारे सामने, इसमें 26 है, इसमें 26 है, ठीक है। अगर हम ये वाला पीछे ऊपर वाला पोर्शन की बात करेंगे, इसमें 5 बोन्स होती है, ठीक है। ये 5 बोन्स कौन सा हिस्सा होता है, सर्वेक्स, है ना, सर्वेक्स। और ये जो बीच वाला होता है, जिनके साथ क्या होता है, सेरिब्रम, सॉरी सर्वेक्स नहीं, सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम वाला। और जो ये जिनसे क्या होता है, हमारे हड्डियां जुड़ती है, कौन सी वाली, रिब्स, उनको इसको बोलते हैं थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी। और सेरिब्रम कितने होते हैं, इसमें 7 हड्डियां होती है, है ना। और जो हमारा थोरेसिक वाला पोर्शन है, उसमें कितने होती है, 12, वेरी गुड। और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं लंबरिंग, लंबरिंग 5 होती है, लंबरिंग 5 होती है। और आप ये ब्रॉड बोन देखते हो, ये बोन, ठीक है, ये बोन जो है, इसको बोलते हैं सैक्रल बोन, क्या बोलते हैं, सैक्रल बोन। इन मेल्स इट इज स्लाइटली नैरोवर, इन मेल्स इट इज स्लाइटली नैरोवर, एंड इन फीमेल इट इज स्लाइटली ब्रॉडर, फीमेल्स में स्लाइटली ब्रॉडर होती है, एंड नीचे ये पोर्शन। लेकिन ये सब बोन्स क्या होते हैं, सैक्रल बोन, ये जॉइंट होते हैं, फ्यूजन, these are the fused bones, and ये जो नीचे ये tail bone जैसी है, it's called tail bone, और इसको coxial bone बोलते हैं, इसको coxial bone बोलते हैं ना, coxial bone, और इसको tail bone भी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हुआ। इसके बाद अगर हम आएंगे किस वाले portion पे, appendicular पे, appendicular पे, appendicular पे सबसे पहले हम किसका discuss करेंगे, हम करेंगे जो हमारा pectoral girdle होता है। pectoral girdle मतलब ये वाला हिस्सा, ये पूरा, इसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल में हमारे दो कॉलर बोन्स होते हैं, ये दीज आर द कॉलर बोन्स, ये यहां पे एक राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक कॉलर बोन। इसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, और इसको हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आई। और इसके बाद पीछे की तरफ से आपको मिलेगा ट्राइंगुलर शेप एक और बोन, है ना, ये भी दो टू इन नंबर होती है, ये ट्राइंगुलर शेप, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला, इसको बोलते हैं स्कैपुला, ये भी दो होते हैं। यानी अगर हम बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स होती है, टोटल 4, पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स होती है। और अगर हम किसमें, ये वाला, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 2 होती है, कितनी, 2, इनको हम कॉक्सियल बोन्स भी बोलते हैं, क्या, कॉक्सियल बोन। यानी अगर हम ये देखेंगे ना, ये अलग अलग होती है, फ्यूज्ड नहीं होती है, ये अलग अलग होती है, ये एक कॉक्सियल बोन, ये एक कॉक्सियल बोन, है ना, ये वेंट्रल साइड से जुड़ती है। यहां पे दिख रहा है ये जोड़ आपको, दिख रहा है ये जोड़, ये जोड़ दिख रहा है आपको, ये जोड़ जो है, इसमें एक क्या होता है, कार्टिलेजिनस जोड़ होता है, ये बनाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या बनाता है, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी ये कॉक्सियल बोन उसको जोड़ता है। लेकिन ये जो कॉक्सियल बोन है, ये थ्री बोन्स से जुड़कर बनी होती है, कितने, थ्री बोन्स से जुड़कर बनी होती है। आपको आप देख भी सकते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाली फ्लैट बोन, इसको बोलते हैं इलियम, ये वाली इलियम, ठीक है, ये वाली जो है ना, ये फ्रंट वाली, इसको बोलते हैं इस्टियम, इसको बोलते हैं इस्टियम। और ये वाली जो है अंदर की तरफ, ये है प्यूबिक, ये है प्यूबिक, इलियम इस्टियम एंड प्यूबिक, ये बनाती है कॉक्सियल बोन, है ना। और यही दो कॉक्सियल बोन जब जुड़ती है, ये बनाता है हमारा पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा यहां पे एक ये नॉच है, हां, ये है ना, ये क्या है, जिससे क्या है, हमारा जो हमारी फीमर बोन है,
जो हमारी फीमर बोन है, फीमर बोन का जो हेड है ये इस जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं गड्डा लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। क्या बोलते हैं? एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम क्या है? ये एक बिल्कुल नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसमें? पैल्विक गर्डल में, जिससे हमारे जो फोर लिम्ब, फोर हिंड लिम्ब है वो इससे जुड़ते हैं, वो इससे जुड़ते हैं। अब यहां पे आ जाओ फिर से, यहां पे ये आप देखते हो ये दीज, ये क्या है? ये हमारे फोर लिम्ब है, ये हमारे फोर लिम्ब है। और इन फोर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती है? 30 बोन्स आती है प्रेजेंट, ठीक है। कितनी? 30, यानी इसमें 30, इसमें 30, दोनों में कितने हो गए? 60, है ना। क्योंकि जो हमारा फोर जो हमारा लिम्ब वाला लिम्ब बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 120 लिम्ब बोन्स हमारी 120 होते हैं। 60 ये दो, 60 ये दो, हो गए ना 120, ठीक है। अब अलग अलग से देखेंगे, ये वाली बोन जो आपको दिख रही है ये वाली, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, यानी अगर हम अपने बालों की बात करेंगे ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है ना। और फिर आगे आ जाओ, हाथ को ऐसे रखो, हाथ को जब ऐसे रखेंगे ह्यूमरस से नीचे आओ, ऐसे मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा ह्यूमरस से नीचे, ये वाली हड्डी है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस, यानी ऐसे, ये है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा रेडियस वाली कौन है? अपना हाथ ऐसे करो, ठीक है, जो अपने थंब से थंब के मतलब नजदीक जो हड्डी होगी उसी को बोलते हैं रेडियस। रेडियस, रेडियस क्या बोलते हैं इसको? ये रेडियस है, ये रेडियस है। और जो उसके पीछे वाली है ये, इसको क्या बोलते हैं? अल्ना। रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आ जाओ, यानी जो हमारा हाथ है, हाथ में भी अलग अलग हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो उंगलियां हमारी है, ये उंगलियां, ठीक है, इनमें भी क्या होती है हड्डियां, उनको बोलते हैं हम क्या? फैलेंजेस और डिजिटस। फैलेंजेस और डिजिटस, ये कितनी होती है? ये 14 होती है, ये फैलेंजेस एंड डिजिटस, ये जो दिख रहे हैं आपको ये कितने होते हैं? 14 इन नंबर, 14 इन नंबर। इसमें कैसे आप याद रखेंगे 14 कैसे है? आपको बस याद रखना है जो हमारा थंब होते हैं, थंब में खाली दो डिजिट्स होते हैं, बाकी सब में तीन तीन, ये थंब में ये एक और दो, दो डिजिट्स, बाकी सब में तीन तीन, एक दो तीन, 1 2 3 1 2 3, ये 14 इन नंबर होते हैं। अब हमारा पाम वाला रीजन जो होता है ये ठीक है, इसको पाम वाला रीजन जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते, ये क्या है? मैं कार्पल्स, इनको बोलते हैं कार्पल्स, ये इट इज 5 इन नंबर, ये पांच हड्डियां होती है, कितनी? 5। अब ये जो हमारा रिस्ट वाला पोर्शन है, ये रिस्ट वाला पोर्शन, इसमें इसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, दीज आर 8 इन नंबर, ये 8 हड्डियां होती है, है ना। 14 5 8, है ना, ये 14 है, ये 5 है, ये 8 है। रेडियस भी एक होती है, उल्ना भी एक होती है, और ह्यूमरस भी एक होता है, ठीक है, है ना। इसी तरह इसमें भी है, ये इस तरह इसमें भी फुल वैसी हड्डियां होती है, ठीक है। अब ये तो हमारी क्या फोर लिम्ब्स है, ये हमारी फोर लिम्ब्स है। अब हमारी हिंड लिम्ब्स पे आ जाओ, यानी हमारी लेग्स, है ना। लिम्ब्स मतलब हमारे आर्म्स एंड लेग्स, उनको लिम्ब्स बोलते हैं टोटल में, है ना। और उसके बाद होता है हिंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। अब हिंड लिम्ब के बारे में देखते हैं। हिंड लिम्ब ये जो आपको सबसे ये हड्डी आपको नजर आ रही है, लंबी सी हड्डी है ना, इसको बोलते हैं फीमर, फीमर बोन और थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, है ना। ये लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की, इसको बोलते हैं फीमर बोन और थाई बोन, समझ में आ रही है बात। अब नीचे आ जाओ, ये आपको दिख रही है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इसको बोलते हैं नी कैप, और इन जूलॉजिकल टर्म इट इज कॉल्ड पेटीला, पेटीला, इट इज कॉल्ड पेटीला, पेटीला मतलब नी कैप, कैप लाइक होती है ये, इसको बोलते हैं पेटीला और नी कैप, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहां पे भी आपको दो हड्डियां नजर आती होगी, दो बोन्स नजर आती होगी, ये और ये, है ना, आती है। ये जो मोटी वाली है, मोटी वाली, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या? टीबिया, इसको बोलते हैं टीबिया। और जो ये पतली वाली होती है छोटी, इसको बोलते हैं फिब्यूला, इसको बोलते हैं फिब्यूला। अब आ जाओ, हमारी जो हमारा जो पैर है ना, इसमें भी जो हमारे पैर में जो हमारी उंगलियां होती है उनको हम डिजिट सी बोलते हैं, जैसे हमारे हाथ में इन अवर हैंड इट्स आल्सो कॉल्ड इन, जो हमारा फीट है इसमें भी इसको डिजिट सी बोलते हैं, डिजिट्स और फैलेंजेस, डिजिट्स और फैलेंजेस, इट इज आल्सो 14 इन नंबर, है ना। इन अवर फीट डिजिट्स और आल्सो और फैलेंजेस जिनको बोलते हैं, इट इज 14 इन नंबर, ये भी इसमें 14 ही होते हैं। अब आ जाओ, हमारा जो सोल वाला हिस्सा होता है, सोल, है ना, पाओ का जो सोल है, सोल वाला हिस्सा, इसमें क्या होता है? उसमें हमें क्या पढ़ा था कार्पल्स, इसमें कार्पल्स नहीं, इसमें बोलते हैं टार्सल्स, क्या बोलते हैं? टार्सल्स, ये याद रखो, ये इसमें क्या बोलते थे? कार्पल्स, हैंड पे इसको बोलते हैं हम, जो पाम वाला हिस्सा इसको बोलते हैं कार्पल्स, लेकिन जो इसका सोल वाला हिस्सा उसको बोलते हैं
टार्सल, क्या बोलते हैं टार्सल। अब एंकल वाला हिस्सा है ना, एंकल वाला, ये एंकल वाले बोन्स है ना, क्लियर। और इसमें इसमें जो टार्सल ये भी पांच ही होते हैं, टार्सल्स पांच ही होते हैं। और जो इसमें एंकल वाला पोर्शन है इसमें मेटाटार्सल्स है, इसमें मेटाटार्सल्स है। यहां पे कितने थे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स कितने थे एक, यहां पे मेटाटार्सल्स जो है सात ही होते है ना, सात, सेवन इन नंबर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब जो हमारा है ये हमारा तो बोनस के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ, ये हमारा बोनस के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत मूवमेंट के बारे में, है ना। अब अगर हम फेस के बोनस की बात करेंगे, ये कह रहे हैं ये चीक बोनस, इनको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोनस, जाइगोमैटिक और चीक बोन, जाइगोमैटिक और चीक बोन, है ना, क्लियर। और अगर हम देखेंगे ये जो स्कल का पोर्शन होता है, दीज आर द इमूवेबल जॉइंट्स, है ना, इसमें एक ही होती है, ये मूवेबल होती है बस, इसको क्या बोलते हैं मैंडिबल, क्या बोलते हैं मैंडिबल। और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं मैक्सिले, है ना, ओनली मैंडिबल बोन इज मूवेबल, है ना। पूरे जो 29 बोन्स इन आवर 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर हेड, बट ओनली वन बोन इज मूवेबल, दैट इज कॉल्ड मैंडिबल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मैंडिबल। अब ये इमूवेबल जो जो है ये ना, है ना, इमूवेबल पूरा, क्योंकि इसमें होता है कौन सा वाला फाइबरस, इसमें फाइबरस यानी मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये पूरा हमारा हुआ स्केलेटल सिस्टम के बारे में, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर, जो रिब्स है ना, वो स्टर्नम से कैसे जुड़ती है? हाँ, वेरी गुड, ये जो रिब्स है ये स्टर्नम से कैसे जुड़ी है ना, पलक माली का एक क्वेश्चन है, ये जो रिब्स है ना, ये रिब्स जो है स्टर्नम से कैसे जुड़ती है। आप अगर इसमें ऑब्जर्व करें ये वाला, ये आपको दिख रहा है थोड़ा डिफरेंट है, है ना, ये इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, जो स्टर्नम से आता है ये ब्रेस्ट बोन से एक हड्डी है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये हड्डी नहीं, ये कार्टिलेजस होती है ना, हाइलिन, हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज, इसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ये पहले जो स्टर्नम से जुड़ती है, पहले ही कार्टिलेज है, उसके बाद स्टर्नम से जुड़ती है, ठीक है। और ये जो हमारी ये इनको बोलते हैं हम रिब्स, है ना, ये कितने हैं 12 पेयर्स, इसमें जो होते हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स होते हैं 1-7, 8-10 हमारी फॉल्स रिब्स, और 10, 11 और 12 जो हमारी है वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स है। फ्लोटिंग रिब्स आप देख सकते हो, ये खाली किससे जुड़ी होती है, बैकबोन से, और इससे स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्लियर। और किसी को, और किसी को क्वेश्चन? हाँ, एसिटाबुलम कहाँ होती है और ये कैसे बनती है? वेरी गुड, एसिटाबुलम क्या है और ये कैसे बनता है? आप, मैंने आपको बताया जो हमारा पेक्टोरल गर्ड है, पेल्विक गर्ड है, पेल्विक गर्ड मतलब ये पोर्शन, पेल्विक गर्ड मतलब ये पोर्शन, यहाँ पे आपको ये नॉट सा दिख रहा है, ये है ना, ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं एसिटाबुलम। ये किसमें होता है? ये हमारा जो ये कॉक्सियल बोन होती है, जो किसके किससे बनी होती है, होती है इलियम पिस्टन में प्यूबिस, है ना, उसमें एक नॉट सा होता है, ग्रू लाइक स्ट्रक्चर, है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा फीमर का हेड होता है वो इससे जुड़ता है, यानी जो हमारे हिंड लिंब से, ये इससे हमारे मेन स्केलेटल सिस्टम से जुड़ के, यानी उसको बोल, जहां से वो जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं हम एसिटाबुलम, है ना। और यहां पे बनती है हमारी हमारा जॉइंट, उसको बोलते हैं बॉल एंड सर्कल जॉइंट, यहां पे भी बनती है हमारी जॉइंट, उसको बोलते हैं बॉल एंड सर्कल जॉइंट। और यहां पे भी आपको एक ग्रूव दिखेगा, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, क्या बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट? थैंक यू। जो है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसके बारे में हमने पूरा 206 आइडिया कहां पे होती है हमने पूरा पढ़ा। अब हम थोड़ा बहुत इस डर्मी के बारे में देखेंगे, इसमें हम देखेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन सा ऑर्गन कहां पे लोकेट होता है ना। सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे, हमें पूरे ऑर्गन्स इससे दिख रहे हैं। सबसे पहले जो ये है ना, ये हमने ऐसे निकाल सकता हूं, ये हमारे क्या है, दीज आर आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स है, दो लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग है लेफ्ट लंग। अब अगर आप देख सकोगे, जो हमारे लेफ्ट लंग होता है ऐसे है ना, लेफ्ट साइड, ऐसे लेफ्ट साइड लंग, ये इसमें एक नॉच होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच क्यों होता है? क्योंकि ये हार्ट को अकोमोडेट करता है, हार्ट को अकोमोडेट करता है। अब ये हार्ट कहां है, जो हमारा हार्ट है कहां है, ये है हमारा हार्ट, ये दिख सकता है, ये हमारा हार्ट है ना, ये स्लाइड, ये बिल्कुल सेंटर में होता है हार्ट। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल सेंटर में होता है, देख भी सकते हो आप, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन ये स्लाइड, इसको बोलते हैं टिल्ट, ये स्लाइड टिल्ट होता है लेफ्ट साइड, इसलिए यहां पे बनता है इसमें कार्डियक नॉच, इसलिए इसमें कार्डियक नॉच बनता है ना। और ये हार्ट का काम क्या है, इस हार्ट का काम इज ओनली पंपिंग द ब्लड,
यह खल सिर्फ पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, ठीक है। और यह हार्ट एक स्पेशल मसल से बना हुआ होता है, मसल का नाम है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में क्या फीचर है, अनफटीग होते हैं, ये थकने वाले मसल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, ये क्या है, हमारा दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन और सबसे बड़ा जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ा ग्लैंड, ठीक है, वो है लिवर, है ना, वो है लिवर, ये है हमारा लिवर, ठीक है। लिवर बाइलोबल होता है, देख रहे हो आप बाइलोबल, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब, ठीक है, ये लिवर होता है, ये क्या है ग्लैंड, ये सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी का है ना, सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी का है। और आप देख सकते हो ये जो हमारा लिवर है ये करता क्या है, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है और स्टोर रखता है। ये देख रहा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिखा है आपको, ट्यूब लाइक है ना, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर करता क्या है, जो ये लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, है ना, बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, ये गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, ये गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। और उस बाइल का फंक्शन क्या है, जो एसिडिक फूड आता है स्टोमक से, है ना, उसको बेसिक बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, और जो हमारे फैट्स, जो हम फैट फैटी पार्टिकल्स खाते हैं उसको करता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप यहां पे देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका क्या है डायमीटर बड़ा होता है, ठीक। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल क्यों बोलेंगे, इसका जो है डायमीटर छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। और जो हमारा डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी दो किडनीज है, ये हमारी दो किडनीज है, जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे, जो हम फूड खाते हैं उसका जो पैसेज है कहां से कहां जाते हैं, पैसेज ऑफ फूड, सबसे पहले जब हम फूड लेते हैं हाथ से उसको हम किसमें डालते हैं, इसको बोलते हैं क्या, माउथ, इसको बोलते हैं माउथ और बकल कैविटी, माउथ और बकल कैविटी। जब माउथ में डालते हैं, इसमें मेस्टिकेशन होता है पहले, और कुछ ब्रेकडाउन ऑफ ये न्यूट्रिएंट्स का भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर में, ठीक है। उसके बाद ये किससे चला जाएगा, फूड पाइप से, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप से कहां चला जाएगा, ये है हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक, ये स्टोमक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा पार्शियली डाइजेस्ट फूड है वो किसमें चला जाएगा, इस स्टोमक में चला जाएगा, ठीक है। अब स्टोमक में क्या हो जाएगा, इसमें भी पार्शियल डाइजेशन हो जाएगी, किस चीज की डाइजेशन हो जाएगी, सबसे पहले प्रोटीन्स की डाइजेशन ज्यादातर होती है, क्यों, क्योंकि जो स्टोमक होता है ये कुछ ये इसमें एसिडिक मीडियम होता है ना, कहा जाता है स्टोमक जो है एम्प्टी स्टोमक में जो एसिडिक पीएच होता है वो 5 होता है, अगर हम इसमें एक ब्लेड डालेंगे वो भी डाइजेस्ट होगा, ठीक है। अब एसिडिक पीएच होने से क्या होता है, पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, जब उसका एसिडिक मीडियम मिलता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, पेप्सिन एमिनो एसिड को ब्रेक करता है किसमें, प्रोटीन उसको ब्रेक करता है एमिनो एसिड में, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है बात, स्टोमक, ठीक है। अब जो ही वो स्टोमक में पहुंचता है फूड, उसके बाद कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है क्या क्या होता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुलम एंड इलियम, ठीक है। उसके बाद वहां पे भी क्या होती है, उसके बाद जो हमारा फूड है वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहां पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें ओनली रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, है ना, एंड वो डाइजेशन इज कंप्लीट, है ना, डाइजेस्ट सिस्टम जो है माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म हो जाता है, ओके। एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन? तो दर्शकों, आज हम सब जुड़े हुए थे जवाहर नवोदय विद्यालय मंडपिया जिला चित्तौड़गढ़ में 11th साइंस के बच्चों के साथ, और बहुत ही टैलेंटेड टीचर, बायोलॉजी टीचर, जिन्होंने पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, स्केलेटन के बारे में पूरा बताया। और इसके साथ साथ देखें, अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है हमारी बॉडी को पहचानने के लिए कि कैसे कैसे करके हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, मुंह से शुरू होकर के एनएस तक पहुंचना और क्या क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी बातें आपने सीखी। तो अंत में मैं माननीय नजीर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने कीमती समय में से बहुत अच्छा सा समय दिया और दर्शकों की जानकारी को बढ़ाया, नॉलेज को बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, 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 oh